दोस्तों डिफॉल्ट करने के बाद एक नया जो है मुसीबत सामने आ रहा है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ा है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपके घर पर पुलिस भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को सही तरीके का जानकारी चाहिए तो आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिलेगा। नहीं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोग बाद में मुसीबत में पड़ोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इससे डील करें। तो वीडियो पूरा वॉच करें क्योंकि आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसा चीज़ें होता है तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोडीगढ़ इन्फॉर्मेशन आप लोग इस शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा है अभी के टाइम में, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आप लोगों को ये सुनने को मिलता है कि आपके घर पर पुलिस आएगा, आपको उठाकर लेके जाएगा, आप पेमेंट अभी नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी एजेंट आपके घर पर आता है ये धमकी आप लोगों को देगा। ये कॉमन धमकी है कि आपको पुलिस के आपके घर पे पुलिस आएगा और पुलिस रिकवर करेगा ये पैसा। तो ये चीज़ जो है अभी के टाइम में नया मुसीबत है। नया मुसीबत मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये पहले से भी चल रहा था लेकिन अभी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। सभी को जो है ये चीज़ें सुनने को मिल रहा है और सभी जो है ये कॉमेंट में लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बातें जो है बोल रहे हैं। करना क्या है सर, मुझे बताइए, अमित भाई बताइए करना क्या है। तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर पुलिस का बात जो भी आ रहा है, आप लोगों को पता है कि एजेंट्स किस लेवल तक जो है वो लोग जाते हैं अपना काम करने के लिए। उनका काम क्या होता है, बीच में कंपनी और आपके बीच में रहता है कलेक्शन करने का। उन लोगों का काम होता है कलेक्शन करना, उनका नाम होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट, सिर्फ पैसा को कलेक्ट करना। लेकिन आप लोगों को एक अलग अलग जो है नाम दे देते हैं, रिकवरी एजेंट्स। कलेक्शन डिपार्टमेंट का कलेक्शन एजेंट है वो पैसा जो है बीच में उठाकर लेके आता है और कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस में उनको कमीशन मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग डरते हो ये कलेक्शन एजेंट्स कुछ करेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारा धमकी आप लोगों को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है या फिर मिल भी जाता है। तो यहाँ पर पुलिस का जो बात है, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। पुलिस कब इन्वॉल्वमेंट होता है, जब आप लोग क्राइम किए होंगे तभी पुलिस इन्वॉल्वमेंट करता है उसी में। तो आप लोगों ने लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करने के बाद आप लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, आप लोगों को हर वीडियो में बताया। तो यहाँ पर पुलिस कहाँ पर आएगा, कहाँ कैसे आएगा, सबसे पहला चीज़ कैसे आएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ सुनने को मिलता है कि आपके नाम पे FIR होगा, आपके नाम पे जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो लोग आए हैं आपके नाम पे FIR करने के लिए, पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। तो यहाँ पर मानो आपके नाम पे अगर कोई भी FIR होता है, पुलिस आपको फ़ोन करके बोलेगा कि आपके नाम पे FIR हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हो, ये हो रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुरंत पैसा वापस करो। पुलिस अब उन लोगों का साथ देगा। चवन्नी छाप एजेंट का काम होता है आप लोगों को डराना, गलत तरीके से डराना, वो लोग वही काम करते हैं। कोई भी पुलिस स्टेशन से कॉल नहीं आता, कोई भी पुलिस आप लोगों को उठाने के लिए घर पे नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ वो खुद से ही बन जाते हैं सब कुछ ताकि लोग डरे। कानून पुलिस ये सब नाम सुनने के बाद लोग डरेगा, क्योंकि घर पे अगर कोई पुलिस आता है तो यहाँ पर क्या होता है, इज्जत खराब होता है। यही सोच जो है आप लोगों का है और यही सोच का टारगेट वो लोग करते हैं कि भाई ये टारगेट करो तो भाई पैसा 100% मिलेगा। तो जैसे तैसे करके कहीं से भी सेविंग्स रखा हुआ है वो मरे जिए, मेरे को कोई मतलब देखना नहीं है, हमें जो है पैसा हमें मिल जाए बस। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, कोई भी यहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। चाहे आपके पास SMS आए, चाहे आपके पास लीगल नोटिस आए, चाहे आपके पास कॉल्स आए, चाहे आपके सामने आके धमकी दे, बस आपको एक ही चीज़ बोलना है, तुमको जो करना है तुम करो, मेरे पास जब पैसा होगा मैं पेमेंट कर दूंगा। आप तो कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो, आप तो बोले नहीं कि मैंने डाका डाला है, मैंने लूट लिया इसको पैसा, यह कर दिया है। आपने लोन लिया है, पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन आपको पेमेंट करना है। कब करना है, जब आपके पास पैसा होगा। अब वो पैसा कब होगा, आपको टाइम चाहिए, तो टाइम लेने के बाद पैसा आपके पास आएगा तब आप पेमेंट करना, उसके बीच में तुमको जो करने करो, देखा जाएगा जब पुलिस आएगा उठा के लेके जाएगा, भाई जेल चले जाएंगे, क्या होगा। इसी तरीके से आपको बात करना पड़ेगा एजेंट से। अगर आप मानो घर पे आ जाता है बिना बोले, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एजेंट अगर घर पे आता है तो किस तरीके से बात करना है, क्योंकि यहाँ पर RBI ने गाइडलाइंस दे दिया है कि एजेंट के साथ कोई भी मतलब ऐसे तरीके से बात करना नहीं है कि भाई वो लोग समझे कि आप लोग डर रहे हो। अब से जो है एजेंट डरेगा आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर राइट्स दे दिया है RBI ने आप लोगों को। एजेंट अब घर को आने से पहले, घर में आने से पहले वो पूछेगा कि आप घर पे हो, अगर हो भी, अगर आप बोले कि नहीं मैं घर पे हूँ लेकिन मैं बाहर मीट करना चाहता हूँ, तो वो बाहर ही मीट करेगा, आपके घर पर नहीं आ पाएगा। अगर आता है तो वहाँ पर आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो, नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो या फिर सिविल कोर्ट में जाके उनके नाम पे केस फाइल कर सकते हो। आप लोगों के पास ये अधिकार दिया गया है, आप लोगों को राइट्स दिया गया है, आप लोगों को सही तरीके का राइट्स अगर पता होगा तो आप लोगों को कोई भी मायका लाल आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है एजेंट जो है मुझे धमकी दे रहा है, क्या दे रहा है कि भाई तुम इस तरीके का वीडियो बना रहे हो, दिक्कत हमें हो रहा है। अरे भाई तुम लोगों का दिक्कत हो रहा है, लोगों का दिक्कत नहीं हो रहा है, लोगों को इतना हैरेसमेंट कर रहे हो, लोगों का दिक्कत नहीं हो रहा है क्या?
तुम अपने बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं भाई? मेरा जो भी सब्सक्राइबर दोस्त है, मैं आम जनता के बारे में सोचूंगा। एजेंट कुछ भी करे, एजेंट के ऊपर आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उसको फॉलो करो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम उसको फॉलो नहीं करते हो, इसलिए जो है ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल लोन है। और यहाँ पर आप लोगों को डरना भी नहीं है कि एजेंट आपके साथ कुछ करेगा, ना कंपनी आपके साथ कुछ करेगा, ना एजेंट आपके साथ कुछ करेगा। अगर करना होता तो वो यूट्यूबर्स को देखकर फ़ोन करके वो बोलता नहीं, धमकी नहीं देता कि भाई तुम इस तरीके का वीडियो मत बनाओ। वो अगर कुछ कर पाता आप लोगों के साथ, वो तुरंत आपके ऊपर केस कर देता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। बस आप लोगों को यहाँ पर यही समझना है कि बस आपको डरा रहे हैं। डर खत्म करना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे निकल पाओगे। कोई भी पुलिस बोलिए, कोई भी एडवोकेट बोलिए, कोई भी जज बोलिए, आप लोगों को फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा कि आपके नाम पे एफआईआर हुआ है, आपके नाम पे केस हुआ है। केस अगर होगा कोर्ट में जाके, तो वहाँ पर कोर्ट से डायरेक्टली आपके पास समन आएगा। कोई भी एडवोकेट फ़ोन करके किसी भी आपका जो भी ओपोनेंट होगा, वो मतलब जो भी एडवोकेट का ओपोनेंट होगा, उनको फ़ोन करके बोलेगा? ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा कभी भी होता नहीं है, ठीक है। उन लोगों का जो है चवन्नी छापों का काम होता है, खुद से ही सब कुछ बन जाते हैं और खुद से ही सब कुछ करने लग जाते हैं। बस आपको यहाँ पर आपको समझना है कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे पास जब टाइम होगा, पैसा होगा, मैं पेमेंट करूँगा तुमको, उसके बीच में जो करना है तुम करो। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखो और डर खत्म करो। दोस्तों यहाँ पर आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा, मन के अंदर जो भी डर था वो डर खत्म हो गया होगा। तो तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।